चुनावी खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं और उपचुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की अलग अलग चार सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है 28 अक्टूबर को। एक लोकसभा सीट है और तीन विधानसभा सीट है। 8 अक्टूबर तक नामांकन करने की तारीख है, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि ये बात अलग है कि अभी जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं, प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस, उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जल्द ही खबरें हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। 30 अक्टूबर को मतदान होना है और दूसरी तरफ 2 नवंबर को परिणाम आना है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात करके पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव इंदौर लौटे। बंसल न्यूज से बातचीत में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस महंगाई और कोरोना में हुई मौत के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। वहीं टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि इसका फैसला आलाकमान ही करेगा। हालांकि निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा के बगावती तेवर के सवाल पर अरुण यादव बचते नजर आए। अरुण यादव से बातचीत की संवाददाता पीयूष पारे ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और खंडवा जो काफी महत्वपूर्ण सीट है, और हमारे साथ में खंडवा से ही एक कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी हैं। यादव जी, आज आलाकमान से कल मुलाकातें भी हुई हैं, किस तरीके के जो है चर्चा हुई और काफी कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं? देखिए, चार विधानसभा चार चुनाव होने मध्य प्रदेश के, और उसको लेकर जनरल सेक्रेटरी महोदय और अध्यक्ष जी से विस्तृत हमने चर्चा की है, राजनीतिक चर्चा की है, संगठन को लेकर हमने चर्चा की है। और देखिए, आपको पता है कांग्रेस पार्टी में अंतिम निर्णय दिल्ली का ही होता है, दिल्ली जो तय करेगी वो हमको मान्य होगा। अरुण यादव कितने तैयार हैं चुनाव के लिए खासतौर? 24/7 तैयार रहते हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो, उसके बारे में कुछ नहीं पूछिए। एक आखिरी सवाल है कि किस तरीके से मुद्दे रहेंगे अरुण जी? बहुत मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा भी काफी इस बार चुनाव में असर डाल रहा पाएगा आपको लगता है? 1000 मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ। ये वो सरकार जो चोरी से बनी है, और आज किसान आहत है, दलित आहत है, आदिवासी आहत है, कोई वर्ग ऐसा नहीं प्रदेश में जो इस सरकार से आहत नहीं है। और कोविड को लेकर जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया है वो जनता के सामने प्रदेश की, उन सब बिंदुओं पर बात करेंगे चुनाव में। चलिए, तो यहाँ पर अरुण यादव जी, अरुण जी एक निमाड़ी में एक क्या अपील रहेगी, कांग्रेस में सब ठीक चल रही हो कि नहीं चल रही हो? कांग्रेस को जिताओ, यानी यह अपील से सामने से हमारी। और ये हैं अरुण यादव जी, साफ तौर पर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और खंडवा से जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी हलचले हैं, सियासी हलचले हैं, उसके बीच में वे आलाकमान से मुलाकात कर दिल्ली से लौटे हैं और अब खंडवा में तमाम कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मुलाकात करेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर खंडवा में यहाँ पर पार्टी किसे मौका देती है और किस तरीके से यहाँ पर चुनावी रण में कांग्रेस पूरा दमखम लगा पाती है। फिलहाल कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़।